उस्वे रसूल सिलसिला नंबर एक कर्ज और उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की रियासत के वली वारिस आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक यहूदी ने अपने कर्ज का तकाजा करते हुए आपको सख्त सुस्त कहकर मुखातिब किया। इस मौके पर मौजूद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अजमईन ने इस नागवार सूरत हाल में तकाजा करने वाले शख्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे कहने दो, ये इसका हक है। साहिब हक को अपनी बात कहने के लिए हक होता है। फिर आपने सहाबा कराम से फरमाया, इस शख्स के तकाजे का जवाब यह है कि इसे ऊँट खरीद कर दो ताकि इसका कर्ज हक के मुताबिक इसे लौटाया जाए। यह कर्ज उसने मेरी ज़रूरत के वक्त मुझे दिया था। सहाबा ने उस शख्स के कर्ज में लिए हुए ऊँट को तलाश करना चाहा तो वैसा ऊँट न मिला। उस वक्त उससे अच्छे ऊँट मिल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, उसे अच्छा ऊँट खरीद कर दो। देखो, हम में अच्छा वही है जो कर्ज अदा करते वक्त अच्छा हो, यानी जैसा रवैया कर्ज लेते वक्त हो उससे बेहतर रवैया कर्ज अदा करते वक्त होना चाहिए। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 2390 का मफहूम है। इस हदीस की रोशनी में हम ज़रा अपना और अपने अरबाब हल्वक्त ताकतवर तबके और अशराफिये का जायज़ा लें और सोचें कि हमारा माशरा उस्वाए रसूल के मुकाबले में कहाँ खड़ा है। हमारे माशरे में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक रोज़ बातें तो खूब होती हैं, लेकिन आपके उस्वाए हसना की झलक कहीं नज़र नहीं आती। आखिर ऐसा क्यों है? आप मदीने के ताकतवर तरीन शख्स थे, इसके बावजूद आप पर यह नौबत भी आती थी कि आपको कभी मखरूज होना पड़ता था। आप अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए कर्ज लेते तो ये कर्ज भी आप गैर मुस्लिम से लेते थे। शायद इसकी वजह यही थी कि किसी अपनी सहाबी से लेंगे वो ना वापस लेना चाहेगा और वापस लेने में हिचकिचाहट का भी शिकार होगा। मज़कूर हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो बयान है वह आपके अखलाक़ हसना की बेहतरीन मिसालों में से एक है। मज़कूर हदीस में यहूद की बेबाकी देखें व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरी मजलिस में किस शान और एतमाद के साथ अपने कर्ज की वापसी के लिए दाखिल हुआ। इस मौके पर उसे अपने कर्ज के लिए तकाजा करते हुए किसी किस्म का खौफ न था, क्योंकि उसे इस बात का पूरा यकीन था कि उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से कोई आँच नहीं आएगी, क्योंकि वो जिससे तकाजा कर रहा है वो कोई और नहीं इखलाक़ हसना के आला दर्जे पर है। सोचें, आज इस एतमाद का शायबा भी कहीं हम और हमारी अशराफिया में पाया जाता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक यहूदी को हासिल था। क्या आज किसी साहिब हक को इतनी आज़ादी से हमारे ताकतवरों के पिंडाल में इस तरह गुफ्तगू करने की कोई मिसाल पेश की जा सकती है जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मदीने में बसने वाले जिनमें गैर मुस्लिम और कुफार भी थे कर लिया करते थे। तहरीर बयान सिराजुद्दीन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।